प्रदेश में हो रही लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है। नर्मदा हो या शिप्रा, लगभग सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। उज्जैन में लगातार 24 घंटे से हो रही बारिश के बाद शिप्रा नदी उफान पर है। शिप्रा का लगातार जलस्तर बढ़ने से घाट किनारे बने मंदिर जलमग्न हो गए हैं। गंभीर डैम भी ओवरफ्लो हो गया है। वहीं कई इलाकों में 1 से 2 फीट तक पानी भर गया। इंदौर में रात भर हुई बारिश की वजह से यशवंत सागर तालाब लबालब भर गया है। लगातार जलस्तर बढ़ने के बाद सुबह 3 गेट खोले गए, जो 19 फीट का स्तर बने रहने तक खुले रहेंगे। देवास में भी बारिश के बाद हालात बिगड़ने लगे हैं। यहां जिले के गांव रंधन खेड़ी बारिश के वजह से तालाब में तब्दील हो गया है। वहीं भेरू घाट खंडवा रोड पर पहाड़ से गिरती पानी चालकों के लिए मुसीबत बन गया है। सड़क पर पानी का तेज बहाव नदियों जैसा लग रहा है। वहीं बुरहानपुर में भी हालात बदतर हो गए हैं। ताप्ती नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। वहीं सेंधवा में भी बारिश का सिलसिला जारी है। बीते 24 घंटों में सेंधवा में 124.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। सेंधवा की लाइफलाइन कहे जाने वाली गोई नदी ने भी रौद्र रूप धारण कर लिया है।